हाय, आई एम साक्षी। वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ खास अपडेट। दरअसल बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन आज करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। उनकी अदाकारी से लेकर लुक्स तक फैंस ऋतिक की हर अदा पर फिदा हैं। आज उन्हीं से जुड़ा एक मजेदार किस्सा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपको बता दें कि साल 2009 की बात है, जब दुबई के एक होटल में एक इवेंट का आयोजन किया गया था, जहां ऋतिक रोशन को बतौर गेस्ट बुलाया गया था। इसी इवेंट में हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार रॉबर्ट डी नीरो को भी बुलाया गया था। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन उस इवेंट में आने का ऑफर रॉबर्ट डी नीरो की वजह से ही कबूल किया था, क्योंकि ऋतिक रॉबर्ट डी नीरो के बहुत बड़े फैन हैं। जब ऋतिक रोशन इवेंट वाले दिन अपने पसंदीदा स्टार रॉबर्ट से मिले, तो उन्होंने ऋतिक रोशन को वेटर समझकर एक ड्रिंक बनाकर लाने के लिए कहा। ये सुनकर ऋतिक रोशन हैरान रह गए, मगर रॉबर्ट उनके फेवरेट एक्टर थे, तो उन्होंने एक वेटर की मदद से रॉबर्ट के लिए ड्रिंक बनाकर खुद उनके सामने पेश किया। जब ऋतिक रॉबर्ट की ड्रिंक बना रहे थे, उसी दौरान हॉलीवुड स्टार को पता चला कि जिस लड़के को उन्होंने ड्रिंक लाने के लिए कहा है, वो इंडिया का बहुत बड़ा स्टार है। स्टार होने के बाद भी ऋतिक उनके लिए ड्रिंक बना रहे थे, ये देखकर रॉबर्ट बहुत हैरान हुए। उसके बाद रॉबर्ट ने ऋतिक रोशन से खूब सारी बातें की और ऋतिक ने भी उन्हें वादा किया कि वो अपनी फिल्मों की DVD भेजेंगे। उस दिन से लेकर आज तक रॉबर्ट और ऋतिक एक दूसरे के साथ प्यार और रिस्पेक्ट का रिश्ता निभा रहे हैं। दोनों आज भी बातें करते हैं। वैसे हम बात करें ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्मों की, तो जल्द ही वो दीपिका पादुकोण के साथ सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर में नजर आएंगे। इस फिल्म में पहली बार दर्शकों को ऋतिक और दीपिका की जोड़ी पर्दे पर दिखाई देगी। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।